आज का हाल बताना चाहता हूं क्या है आज के भारत का, कि लश्कर भी हमारा है, सरदार भी हमारा है, हम झूठ को सच लिख दें अखबार भी हमारा है। आज का ये हाल हुआ है हमारे भारत देश का। प्रिंट मीडिया तो कुछ सच बोलती है, लेकिन जो हमारी टीवी मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, ये सच बोल ही नहीं पा रही है। इनको ऐसे दबाया जा रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। चुपचाप बोले तो उसको अभी उधर अंदर चले। इमरजेंसी में पत्रकारों को जेल में बंद करने वाले, देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाले यहाँ खड़े होकर क्या कहते हैं? ये असली कांग्रेस का सच, इसे कहते हैं कांग्रेस का असली चेहरा। मैं आ रहा हूँ। ऋतु इधर आई। मैं आ रहा हूँ, शैलेंद्र जी आ रहे हैं। नाराज मत होइए, बैठिए। शैलेंद्र जी बिल्कुल नाराज मत हो। बेटा तुमसे अगर पूरी बात नहीं सुनी, तुम्हारे लिए तो डांट खा के आ रहा हूं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी का नंबर था, लेकिन मैं तुमसे ही पूरी बात सुनूंगा। और क्यों तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही? क्या गोदी मीडिया नहीं है क्या? कैसे गोदी मीडिया? मैं पूछना चाहता हूँ आज, पहले आप बताइए व्हाट इज गोदी मीडिया, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे भैया, यदि 50 करोड़ लोगों का चंदन अकाउंट खुलवाया, 12 करोड़ शौचालय दिए, बीमा योजना दिया, सड़कें बनवाई, वो यदि मोदी दिखाएंगे तो गोदी मीडिया हो गई। दूसरी बात सिर्फ ये नहीं कि मीडिया ही सिर्फ पूरी तरह से ऐसा, नेता भी है। रामलीला में भेजूंगा मैं, बता दे रहा हूं तुम्हें। जी बोलिए यादव जी। सर, पहले उम्र बताओ। मेरी उम्र 17 साल है, अभी मैं छात्र हूं। छात्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले आप बोलो, पहले यादव जी सांस लेके बोलो। नहीं अटक गई सांस तो बहुत मुश्किल है जी। अरे रुको, आराम से आप बोलो। अभी मैं राष्ट्रपति भवन से होकर आ रहा हूं और राष्ट्रपति म्यूजियम से। माननीय जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। ये भगवाधारी हैं, मुझे पता चल गया है कहां से हैं। और ये यादव क्यों कर रहे हैं ये भी मुझे पता है, क्योंकि ये जातिवाद है। मैं भी भगवाधारी हूं, मैं भी टीका लगाता हूं, मैं हिंदू हूं, गर्व है मुझे, मैं हिंदू हूं। लेकिन व्हाट इज गोदिया मीडिया, आई हैव टू टेल हिम दैट व्हाट इज गोदिया मीडिया। जब कोई भी बेरोजगारी छात्र की बात आती है तब ये मीडिया बात नहीं करती है, जब कोई हिंदू मुस्लिम की बात आती है तब ये मीडिया क्यों अग्रेसिव होता है? अंदर आओ, वहां बैठो, वहां जाएंगे अंदर। बहुत मालूम है, उस लड़के ने एक सेंटेंस बोला और वो सेंटेंस ही बहुत काफी था, पूरी डिबेट पे भारी पड़ गया उसका एक सेंटेंस। वो बात नहीं कि मीडिया ये है वो तो सब रोज कह रहे हैं, सबको मालूम है, वो उसमें तो कुछ नहीं कहना मुझे। उसका एक सेंटेंस बहुत भारी था और वो सेंटेंस उसने कहा कि मुझे मालूम है आप मुझे यादव जी क्यों कह रहे हैं। ये सेंटेंस इसका सबसे भारी था मेरे ऊपर। डिबेट को डिरेल मत करो, डिबेट को। मैं दे दूंगा आराम से दे दूंगा। डू नॉट, एक मिनट यादव जी, अभी चुनाव नहीं जीते हो, आराम से बैठो। जी शैलेंद्र जी, पहले शैलेंद्र जी उसके बाद फिर जी शैलेंद्र जी। बात वो नहीं है, मेरा कहना सिर्फ सबसे ये आग्रह है, प्लीज आराम से मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आएंगे आप, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। जी जनाब, मेरा सभी साथियों से आग्रह है, अगर एक विचार आ गया है तो उसके काउंटर करने के लिए विचार रखिए ना। बीच का और जो शोर मचाना है वो सब, उससे क्या समय की बर्बादी होती है। और ये बात कही गई है आपके लिए जी? नहीं, वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है। अब मैं जो कुछ हमारे साथी जो लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे हैं, मैंने पूर्व में भी कहा है, हमारे देश में मौजूदा 30 मुख्यमंत्री हैं और लगभग जो है 15 मुख्यमंत्री विपक्षी सरकारों के, 15 जो है भाजपा और उनके सहयोगियों के।
तो संतुलन है या नहीं है? संतुलन है या नहीं है? तो लोकतंत्र जो है तो अपने आप में कायम है, ये अपने आप में जवाब मिलता है। अब मैं सबसे जो बड़ी बात जो कहने जा रहा हूँ अर्थव्यवस्था को लेकर, अभी मैं एक बड़ा रिलेवेंट एग्जाम्पल लगता हूँ प्रतीक जी, सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी चार राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, एक राज्य भाजपा शासित है, दो राज्य कांग्रेस शासित है और एक राज्य क्षेत्रीय दल शासित है। अब किस तरह फंक्शन, छत्तीसगढ़ कांग्रेस नहीं, एक तेलंगाना जो है मतलब क्षेत्रीय दल के द्वारा है, तो तीन तरह के दलीय प्रवृत्ति है हमारे व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, और तीनों तरह के दल किस तरह काम कर रहे हैं वो लोग समझ लें। देखिए अर्थव्यवस्था के आधार पर किसी भी राज्य की जो हेल्थ है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो मोटे तौर पर मैं दो तीन पॉइंट रखता हूँ। जीडीपी के, अरे भैया आपका टर्न आएगा, ये नहीं जीडीपी के तुलना में आपका जो डेट जो कर्ज का रेशियो है वो सबसे ज्यादा जो है राजस्थान के ऊपर है। अब जो कोई भी राज्य जो खर्चा करता है वो दो तरह के खर्चे होते हैं, कैपेक्स, कैपेक्स का मतलब क्या है, आप स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो कैपेक्स जो है सबसे कम राजस्थान का है वो कितना है 10%, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का कितना है आपका जो 28%। दूसरी तरफ जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है जिससे किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मैंने तो कल जो बैलेंस शीट देखी राजस्थान का 70% है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आई वाज शॉक्ड। जी जी नो नो रितु, नहीं रितु मैं आऊंगा। जी आइए शर्मा जी आइए, पहली बार आप डिबेट में आए, पहली बार तो आपका स्वागत है। जी पहले बोलिए। जी देखिए, सबसे पहला आपका सवाल था कि 1913 का जो भारत है और 14 मेरा नहीं है, ये मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। गुप्ता जी बैठेंगे, जो 14 का भारत है उसमें फर्क है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, बहुत बड़ा फर्क है, छोटा फर्क नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो ओबामा छतरी लेकर उनको रिसीव करता था, आज के भारत के प्रधानमंत्री 25 आदमी भेज के मोदी कराते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, कोई नजदीक नहीं आता है। ये ड्रामा चल रहा, नहीं चलना चाहिए। दूसरा, आजकल भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से बड़े नेता कहते हैं कि हमने खाते खुलवा दिए हजारों करोड़ लोगों के, उस खाते के हालात पता क्या है, हजार रुपए पेनल्टी देनी पड़ रही है जिनके खाते खुले क्योंकि बैंक में पैसा नहीं है। मैं बात पूरी करूं। नंबर दो देना पड़ा। दूसरा कहते हैं ये टॉयलेट का बहुत बड़ा आविष्कार बताते हैं, उन टॉयलेटों में बकरी बंदी है, कूड़ा पड़ा है, उसमें गोदाम बना दिए हैं, कोई टॉयलेट वर्किंग में नहीं है, कहीं ना कहीं देश को गुमराह कर रहे हैं। जनता से जो वादे किए थे महंगाई का, नोटबंदी का, रोजगार का, बताइए कहां है उस पर ये मोड़। जी जनाब, प्रतीक जी आपका सोच जनता का है और जनता के द्वारा उठाया गया सवाल भी जनता को जानने का हक है, उसका समाधान। लोकतंत्र की चौथा स्तंभ हम मीडिया को मानते हैं, बेशक कोई मीडिया गोदी मीडिया होगी, लेकिन वो मीडिया कौन है जो अगर भाजपा शासित राज्य में छोटी मोटी घटना घटती है तो छाती पीटते हैं, लेकिन केरल में घटना होती है वो सवाल नहीं खड़ा करते। वो मीडिया भी कौन है जो बंगाल में आंख बंद रखते हैं? वो मीडिया भी कौन है जो केवल भाजपा शासित राज्य में सीना पीटते हैं? तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि मीडिया पे सवाल खड़ा करने से पहले। भैया जगदीश शर्मा आज पहली बार शो में आए हैं तो मैंने उनको बीच में टोका नहीं, क्योंकि मेहमान और अतिथि वो होता है उसको पहले बोलने देना चाहिए। मैं आता हूं, चुपचाप खड़े रहो। वो चला गया तो इसका मतलब नहीं कि तुम चले जाओगे वहां, पहले बोलोगे, कंटेंट देखेंगे फिर वहां भेजेंगे। आपने कहा कि जब मनमोहन जाते थे, मनमोहन जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी जाते थे तो ओबामा छतरी लेके, मैं आपसे कहूं और प्रोटोकॉल ये होता था, मैं आपसे कहूं कि अभी एक प्रोटोकॉल टूटा गया, एक राष्ट्रपति घुटनों पे आ जाता है तो आप क्या कहेंगे? वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है।